सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये आपके सामने मैं TVS की अपाचे RTR 310 CC की बीस्ट, जो कि है लेटेस्ट मॉडल, कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुई थी। तो यहाँ आप देख सकते हो E20 वेरिएंट है ये। तो TVS ने एक नई मशीन लॉन्च करी थी, वो है आपके सामने में, ठीक है। 310 CC का इंजन है इसका। फ्रंट लुक देख सकते हो कितना ज़बरदस्त निकल के आ रहा है, काफ़ी अग्रेसिव और मस्कुलर टाइप, सुपर नेकेड मशीन। तो ऑल ओवर प्रोफाइल चेक कर सकते हो, राइट साइड से कुछ ऐसी नज़र आती है। स्प्लिट टाइप सीट है इसकी। और रियर प्रोफाइल दिखा दूँ आपको, तो रियर प्रोफाइल रियर साइड से कुछ ऐसी नज़र आती है। लुक काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। तो इस बाइक में क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ्रंट में आपको RTR 310 का जो ब्रांडिंग है, स्टीकर है, वो मिल जाता है। यहाँ के ऊपर में जो वाइजर है मैट फिनिश में, ब्लैक मैट, और जो इसके इंडिकेटर्स है वो है LED में, फुल LED इंडिकेटर्स। जो नंबर प्लेट है वो यहाँ माउंट होएगी। TVS का लोगो मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ लुक रहने वाला फ्रंट से। यहाँ पे भी TVS की ब्रांडिंग मिलेगी। इसका फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप काफ़ी ब्रॉड है। और फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो आपको ट्विन कलर में मिलता है, येल्लो और ब्लैक मैट। ये टेस्ट राइड मशीन है तो इसलिए यहाँ पर स्टिकरिंग लगा रखी है। बाकी फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो अपसाइड डाउन फोर सस्पेंशन है गोल्डन कलर में, काफ़ी बेहतरीन जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है इससे, गोल्डन कलर से। रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे आपको दोनों ही साइड, काफ़ी शॉर्ट और कॉम्पैक्ट सा इसका जो मडगार्ड है, स्पोर्टी लुक में काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है, जैसे KTM ड्यूक में रहता है। तो ये इसके रिफ्लेक्टर हो गए। तो फ्रंट में डिस्क विद ABS है, वाइब्रे के कैलीपर। एलॉय व्हील्स की बात करें तो ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स है, उस पर येलो कलर की स्ट्राइप है, जिससे कि जो लुक है काफ़ी इन्हेंस हो रहा है। TVS रेसिंग की स्टिकरिंग मिलेगी। ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। टायर साइज़ में आपको बताया तो फ्रंट टायर साइज़ रहने वाला है इसका 110x70, 17 इंच का, 17 इंच के एलॉय व्हील्स है, मिशेलिन कंपनी के टायर्स है इसके, काफ़ी बेटर क्वालिटी है, नंबर वन कंपनी टायर में, तो मिशेलिन कंपनी के टायर हैं। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो। इस बाइक का जो इंजन है वो है लिक्विड कूल। तो यहाँ पर रेडिएटर देख सकते हो आप, रेडिएटर दिया गया है। यहाँ पर ड्यूल हॉर्न मिल जाते, एक वो रहा एक ये रहा, ड्यूल हॉर्न है बाइक में। रेडिएटर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है ग्रिल। इंजन काउल ट्विन कलर में, हैवी फाइबर में, स्लीपर क्लच मिल जाता है इसमें। यहाँ पे आप स्टिकरिंग देख सकते हो। इसका जो इंजन है वो है DOHC रिवर्स इंक्लाइन, RTR 310 की स्टिकरिंग, ट्रेलिस फ्रेम टाइप में इसके जो चेसिस है वो दी गई है। यहाँ पे हाइपर स्पैक, तो ये साइड पैनल दिया गया फाइबर प्लास्टिक में। यहाँ पे आपको एयर वेंटिलेशन के लिए, यहाँ टैंक के ऊपर में अपाचे की स्टिकरिंग मिलेगी। ग्राफिक काफ़ी प्यारा था, ग्रे और येलो का कॉम्बिनेशन है। इसका ब्रेक पैडल रबड़ ग्रिप के साथ, राइडर फुटरेस्ट रबड़ ग्रिप। TVS रेसिंग की ब्रांडिंग मिलेगी इंजन के ऊपर में। बात करें इसके इंजन की, तो इंजन है इसमें सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल 4-वाल्व FIVS 2.0, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है बाइक 35.8 BHP एट 9700 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है बाइक 28.7 Nm का एट 6650 RPM पे। पिलियन फुटरेस्ट विदाउट रबड़ ग्रिप। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो इस पर आपको स्टील का मफलर मिलता है, ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट है। अगेन यहाँ पे एग्जॉस्ट के ऊपर में मफलर है स्टील का। LED इंडिकेटर्स, जिसको भी ऑन करके भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसका टायर अगर गार्ड वन साइड ओपन है। लेफ्ट साइड में आते हो तो यहाँ पर सारी गार्ड मिलता है, पूरी तरीके से कवर्ड है, फाइबर प्लास्टिक में सारी गार्ड है इसका। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ओपन चैन सेट है, फाइबर प्लास्टिक में कवर है इसका। यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी टायर प्रेशर की। टेल लाइट की बात करें तो आपको फुल्ली LED टेल लाइट है। डिज़ाइन कुछ ऐसा है आपका, फुल्ली शार्प एंड स्लीक डिज़ाइन। TVS की स्टिकरिंग मिलेगी। स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स हैं। अब बात करें सीट की, तो स्प्लिट टाइप सीट्स है, राइडर की कम्फर्टेबल है, और पिलियन के लिए थोड़ी अनकम्फर्टेबल रहने वाली है ये। TVS रेसिंग की ब्रांडिंग मिलेगी यहाँ पर। इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 11 लीटर की, और फुल टैंक में चलती है लगभग बाइक 330 किलोमीटर। टैंक के ऊपर में TVS का लोगो मिलेगा। यहाँ पे स्टिकरिंग मिलेगी स्मार्ट कनेक्ट की। इस बाइक में आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में क्विक शिफ्टर का फीचर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इसमें साइड स्टैंड मिलता है, मेन स्टैंड का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये स्पोर्ट्स बाइक है। तो ये कुछ इसका इंजन है। यहाँ पर भी TVS की ब्रांडिंग मिलेगी इंजन के ऊपर में। यहाँ फाइबर कवर दिया गया है, ये भी फाइबर में। इस बाइक में आपको वेव की देखने को मिलती है, इंसर्ट करते हैं इसको। इसमें दी गई है 5 इंच की फुल्ली कलर TFT डिस्प्ले, जिसमें आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं, अर्बन, रेन,
ट्रैक एंड सुपर मोटो मोड, डे एंड नाइट टाइम के लिए ब्राइटनेस सेंसर दिया गया है, गियर पोजिशन इंडिकेशन, क्रूज कंट्रोल, इसमें जो टॉर्क है 0 to 60 जाने के लिए वो है 2.81 सेकंड्स ओनली, रेंज ऑफ किलोमीटर बता देगा बाइक में जो पेट्रोल है उसमें कितना किलोमीटर चलेगी। इंडिकेशन की बात करें तो लेफ्ट टर्न इंडिकेशन, लो फ्यूल इंडिकेशन, न्यूट्रल लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा फीचर है इसमें, उसके बाद यहाँ पे लो फ्यूल, साइड स्टैंड, टॉप स्पीड, ठीक है, ऑडोमीटर, रेंज मैंने आपको बता ही दिया, फिर राइट साइड में इंजन मेल फंक्शन लाइट, ABS लाइट, वैसे बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं इसमें। और ये पासिंग लाइट, इसमें आपको स्पेशल सेफ्टी फीचर दिया गया है, कॉर्निंग ABS, कॉर्निंग क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, कॉर्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, तो ये सारे फीचर मिल जाते हैं। तो बाइक स्टार्ट कर दिया मैंने, एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ आपको। तो इसकी टेल लाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसी नज़र आती है, फुल्ली LED टेल लाइट, इंडिकेटर्स ऑन होने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइटनेस दे रहे हैं, तो काफ़ी दमदार इंडिकेटर्स है इसके। यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, नंबर प्लेट यहाँ माउंट होगी। तो ये इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो आप आइडल कंडीशन में, तो आइडल कंडीशन में आप मैं एक्सलेट देता हूँ। ओ भाई साहब क्या साउंड है, ज़बरदस्त साउंड निकल के आ रहा है। तो ये इसकी डियर लाइट ऑन हो चुकी है, और ये फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप, काफ़ी ज़बरदस्त फोकस है। यहाँ सामने देख सकते हो फोकस। बाइक में जो रियर सस्पेंशन है वो है एल्युमिनियम स्विंग आर्म मोनोशॉक प्रीलोड एडजस्टेबल, और रियर सस्पेंशन है इसका मोनोशॉक सस्पेंशन, रेड कलर का सस्पेंशन देख सकते हो, फुल्ली कवर्ड है ताकि जो डस्ट कीचड़ मिट्टी इसमें ना जाए, तो उसके लिए कवर्ड कर रखा है यहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ये प्रोटेक्शन दी गई है। रियर टायर है जो 150/60 सेक्शन का, 17 इंच के अलॉय व्हील्स है, अलॉय व्हील्स आपको येलो कलर में मिलता है रियर वाला, फ्रंट ब्लैक कलर में है रियर में, बट आपको येलो कलर का मिलता है जिसपे ब्लैक कलर की स्ट्राइप है, TVS रेसिंग की स्टिकरिंग। रेडियल टायर मिल जाता है इसमें आपको, काफ़ी वाइड है रियर साइड से देखो, काफ़ी वाइड है जिससे ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है रोड पर। बाइक के जो क्लच लीवर है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी हम बात करें इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टोटल कर्वेट है इस बाइक का 169 kg, और सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है। तो ये थे इस बाइक से रिलेटेड ऑल ओवर फीचर्स, कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शोरूम की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।